वीवो जेड वन प्रो इंडिया में लॉन्च हो चुका है फ्राइडे को, और वीवो की तरफ से वी सीरीज़ का एक ऐसा फ़ोन है जो कि यंग जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है, एआई बेस्ड क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, इसके अलावा 12:9 एस्पेक्ट रेशो वाली एक बड़ी स्क्रीन देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन जो है वो अपने ही प्राइस पॉइंट के दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ में टक्कर लेने वाला है, लाइक रेडमी K20 प्रो एंड ओप्पो रेनो 2Z। आज की इस वीडियो में हम लोग पिक करने वाले हैं तीन ऐसे स्मार्टफोन्स को जो कि एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं, वीवो V17 प्रो, रेडमी K20 प्रो एंड ओप्पो रेनो 2Z। सो यू आर वॉचिंग टेक एक्सपर्ट इंडिया, चलिए जानते कुछ बढ़िया। देखिए, जो तीनों स्मार्टफोन है वो अपने एंड्रॉयड 9 पाई के साथ में आते हैं, लेकिन इनमें जो स्क्रीन्स मिलती है आपको वो डिफरेंट देखने को मिल जाती है। लाइक वीवो V17 प्रो में आपको फन टच 9.1 देखने को मिलता है, जबकि ओप्पो रेनो 2Z में आपको कलर ओएस 6.1 देखने को मिलता है, रेडमी K20 प्रो में आपको MIUI 10 देखने को मिलता है। अब यदि डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो वीवो V17 प्रो में आपको 6.44 इंचेस वाली फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जा रही है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं इसके एस्पेक्ट रेशो की तो 12:9 एस्पेक्ट रेशो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 91.5 स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलता है। ओप्पो रेनो 2Z में भी आपको 6.53 इंचेस वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है। रेडमी K20 प्रो में आपको 6.39 इंचेस वाली फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसमें भी आपको 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलता है। अब यदि बात कर लेते हैं प्रोसेसर की तो वीवो V17 प्रो में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 SoC देखने को मिल रहा है, वहीं आपको 8GB और 128GB तक का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। अब यदि बात करते हैं ओप्पो रेनो 2Z की तो इसमें आपको MediaTek Helio P90 चिपसेट देखने को मिल रहा है, विच इज़ पावरफुल प्रोसेसर। अब यदि बात कर लेते हैं इसके रैम की तो आपको 8GB की रैम मिल जाएगी और 256GB तक का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। वही अगर बात करते K20 Pro की तो इसमें आपको 8GB की रैम और 256GB तक का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 855। अब यदि MediaTek Helio P90 की कंपैरिजन अगर Snapdragon 855 से की जाए तो 855 प्रोसेसर काफ़ी फास्ट है और पावरफुल है। फोटोज़ और वीडियोस के लिए Vivo V17 Pro में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, 48MP सोनी IMX582 सेंसर प्लस 13MP टेलीफोटो लेंस प्लस 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस प्लस 2MP पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलता है Vivo V17 Pro में। ओप्पो रेनो 2Z में भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, इसमें आपको 48MP सोनी IMX586 सेंसर मिलता है, प्लस 8MP वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, प्लस 2MP मोनोक्रोम सेंसर मिलता है, प्लस 2MP पोर्ट्रेट सेंसर देखने को मिलता है। लेकिन K20 Pro में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48MP सोनी IMX586 सेंसर प्लस 13MP प्लस 8MP वाला। सेल्फीज़ के लिए Vivo V17 Pro में आपको डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा मॉडल देखने को मिलता है, 32MP प्लस 8MP सुपर अल्ट्रा वाइड एंगल वाला, जबकि बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 2Z की तो इसमें आपको 16MP वाला पॉपअप सेल्फी कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, वही K20 Pro में आपको 20MP वाला सेल्फी कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी के आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लाइक टाइप सी पोर्ट आपको Vivo V17 Pro में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की तो तीनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेंगे एमोलेड पैनल के कारण। अब जहाँ तक बैटरी की बात है तो Vivo V17 Pro में आपको 4100 mAh वाली बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 18W ड्यूअल इंजन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वही अगर बात करते हैं ओप्पो रेनो 2Z की तो इसमें आपको 4000 mAh वाली बैटरी मिलती है, जो कि 20W VOOC 3.0 फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वही अगर बात करते हैं रेडमी K20 Pro के बारे में तो इसमें आपको 4000 mAh वाली बैटरी मिलती है, जो कि 27W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इन तीनों स्मार्टफोन्स के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग तीनों स्मार्टफोन के डिपार्टमेंट के हिसाब से रेटिंग पता कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ कॉमन चीज़ें दी गई है जो कि डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटी गई है। इसमें दिखाया गया है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा स्मार्टफोन पावरफुल है और आगे है। Vivo V17 Pro की सबसे ख़राब बात मुझे ये लगी है कि इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो एक लो एंड प्रोसेसर यूज़ किया गया है। Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर यूज़ करने की ज़रूरत क्या थी, जब आपके पास में 710 है, 712 प्रोसेसर है, तो फिर क्यों 675 प्रोसेसर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी।
बाकी के जो डिपार्टमेंट है वीवो V17 प्रो के वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। रीनो डुजेट की प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको कलर ओएस 6.1 मिल रहा है, इसके कारण जो ब्लॉटवेयर वो आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं और फालतू की जो नोटिफिकेशन है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसका जो कैमरा ऐप है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है और जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। A20 Pro की प्रॉब्लम ये है कि इसका जो 4K वीडियो क्वालिटी है ना वो उतनी खास नहीं है और जो इसका कैमरा है पॉपअप सेल्फी कैमरा वो घर से निकलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देता है। इसका मतलब ये इसका जो पॉपअप मैकेनिज्म है फास्ट नहीं है। देखो तीनों स्मार्टफोन की अपनी अपनी खासियत है और अपनी अपनी बुराइयाँ भी है। बुराइयाँ तो मैंने आपके सामने ला दिया है, अच्छाई आप पकड़ के बाहर लाइए। और तीनों स्मार्टफोन में से किसी एक स्मार्टफोन को चूज़ करने की अगर बात है तो देखिए वीवो V17 Pro भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, ओप्पो रेनो 2Z भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर प्रोसेसर की बात करते हैं क्योंकि सारा जो खेल होता है ना वो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है और सबसे कम प्रॉब्लम हमको नज़र आई है K20 Pro में, तो V17 Pro या फिर K20 Pro दो स्मार्टफोन ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन हैं लेकिन अगर प्रोसेसर की बात करते तो उसमें वीवो V17 Pro मात खा जाता है। 675 प्रोसेसर देने की ज़रूरत ही नहीं थी उसमें, इसलिए K20 Pro में आपको 855 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। तो K20 Pro के साथ में आप जा सकते हो, उसका प्राइस वाइज भी अभी ड्रॉप हो गया बोलते, तो K20 Pro के साथ में आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप नहीं चाहिए, आपको क्वाड कैमरा सेटअप चाहिए तो V17 Pro के साथ में जा सकते हो, लेकिन उसमें आपको प्रोसेसर के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।